अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्त, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 सितंबर 2020 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट, और कुछ अपडेट दोस्तों आपको 25 सितंबर की भी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आज की बड़ी अपडेट। तो दोस्तों बड़ी अपडेट में सबसे पहले इस समय की जो बड़ी अपडेट आ रही है कि इंटर्नशिप आदेश जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कि आपकी इंटर्नशिप कब से शुरू होगी, कब तक खत्म होगी। उसके बाद दोस्तों DLED छात्रों के लिए एक नोटिस जारी किया गया जिसमें प्रमोट करने की बात है। तो प्रमोट करने के दोस्तों उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको कैसे प्रमोट किया जाएगा। और दोस्तों अभी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, उस अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। एक और बात दोस्तों बात करेंगे, जो बच्चे फेल हैं या बैक पेपर वाले हैं उनके लिए क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको क्लियर बताते हैं कि DLED छात्रों को दो गुटों में बांटने की कोशिश हो रही है। जी हाँ दोस्तों, DLED छात्रों के साथ बड़ा धोखा है। अब धोखा दोस्तों कैसे हो रहा है, जैसे DLED 2018 के जो बच्चे बैक पेपर वाले बच्चे हैं, देखिए इससे दोस्तों 2019 बैच के छात्रों को भी एक सबक लेना पड़ेगा अभी, ठीक है ना। 2018 बैच के छात्रों के साथ धोखा ये हो रहा है कि अगर उनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है या सेकेंड सेमेस्टर में उनकी बैक है, ठीक है, सेमेस्टर बैक और बैक में अंतर होता है, पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल होते हैं, मतलब किसी भी सेमेस्टर में, तो आपको अगले सेमेस्टर में मतलब जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप तीन सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं किसी भी सेमेस्टर में, तो उसको सेमेस्टर बैक कहा जाता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में एक या दो विषय में बैक हो सकती है, तो दोस्तों उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो ये आदेश आया ना, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया जो बच्चे पास हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, जो बच्चे फेल हैं उनको लेकर दोस्तों कुछ भी यहाँ नहीं कहा गया। एक और बात दोस्तों आपको बता दें, नई शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं DLED 2018 बैच के बैक पेपर छात्र। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों की बैक फेल है अगर इनको प्रमोट नहीं करते, मतलब दोस्तों ये बच्चे फोर्थ सेमेस्टर का अगर पेपर नहीं दे पाएंगे तो इनका नुकसान बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर सब कुछ ठीक होता, कोरोना वायरस ना आता, तो पेपर सिंपल सी बात है सबका मार्च में हो जाता, चाहे दोस्तों इन छात्रों की बैक होती या ना होती। उसके बाद दोस्तों ये अक्टूबर या नवंबर तक अपना फोर्थ सेमेस्टर देकर DLED कंप्लीट कर लेते, लेकिन दोस्तों लापरवाही सरकार की, लेकिन भुगतना तो छात्रों को ही पड़ेगा। तो एक एक करके दोस्तों सारी अपडेट को देखेंगे। पहले दोस्तों आपको बता दें कि ये अपडेट कहां से आ रही है, पहले इंटर्नशिप वाली, इसको जरा हम आपके सामने रख देते हैं। देखिए दोस्तों, इंटर्नशिप का आदेश जारी, ऐसा कुछ अपडेट आ रही है। ये अपडेट आई दोस्तों कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, कानपुर देहात से दोस्तों ये अपडेट मिली है, ठीक है। मतलब यहाँ के दोस्तों छात्रों के लिए ऑनलाइन इंटर्नशिप की दोस्तों बात हो रही है। देखिए DLED प्रशिक्षण 2018 चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कक्षा शिक्षण हेतु कार्य मुक्त करने के संबंध में, ठीक है दोस्तों, क्या अपडेट है। तो हो सकता है कि दोस्तों ऐसा ही आदेश आपके जिला में भी आए, तो ये अपडेट फिलहाल कानपुर से देखते हैं क्या अपडेट है। उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पुखराया कानपुर देहात में DLED प्रशिक्षण 2018 के चतुर्थ सेमेस्टर में प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों को संलग्न सूची में अंकित विद्यालय हेतु प्रशिक्षकों को मतलब 30 दिवसीय ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कक्षा शिक्षण करके सीखना कार्यक्रम हेतु 25/9/2020 से लेकर 24/10/2020। जी हाँ दोस्तों, इनका इंटर्नशिप कल से मतलब शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट है। तो हो सकता है कि दोस्तों आप लोगों के लिए भी जो इंटर्नशिप की डेट है ना, वो जल्द से जल्द आ सकती है। तो आपके जिला में दोस्तों डायट कैसे काम कर रहा है उस पर ये निर्भर करेगा। आगे दोस्तों क्या लिखा है इसको जरा देखते हैं। देखिए 24/10/2020 तक कार्य मुक्त किया जा रहा है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि आप बिना अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान लाए कोई भी विद्यालय परिवर्तित ना किया जाए। क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु शिक्षक को आवंटित विद्यालय में GPF के माध्यम से 200 बच्चों एवं शिक्षकों के साथ ऑनलाइन समन्वय स्थापित कर शिक्षण करना होगा, जिसका अनुश्रवण संबंधित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्धारित प्रारूप, ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से करेंगे। ऑनलाइन कक्षा शिक्षण कार्य 30 दिवसों में पूर्ण किया जाएगा। ये दोस्तों अपडेट है कानपुर देहात से, 25 सितंबर से 24 अक्टूबर तक इनकी ऑनलाइन टीचिंग होनी है। तो उसके बाद दोस्तों जो प्रमोट करने के दिशा निर्देश आए, उसमें दोस्तों आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। क्या एफिडेविट दोस्तों होगा, ठीक है, मतलब शपथ पत्र दोस्तों जिसको कहते हैं हम। यहाँ पर दोस्तों शपथ पत्र में चाहे आप 2018 बैच के छात्र हो, चाहे दोस्तों आप DLED 2019 बैच के छात्र हो, आपको भी देना पड़ेगा, ठीक है, 2019 बैच के लिए कुछ ये है। तो दोस्तों जो ये लिंक है ना, इसका लिंक हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे देते हैं, उसके माध्यम से दोस्तों आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या नोटिस आया था सब कुछ आप देख सकते हैं, वैसे हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको समझा भी दिया है।
तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रमोट करने पर क्या होगा। देखिए गाइस, आपका दोस्तों डेट आपको बता देते हैं, तारीख क्या है पहले, जो कि जरूरी है आप लोगों के लिए। आपके कॉलेज वालों को दोस्तों मतलब जो भी अपडेट्स है ना, वो 25 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक इनको वेबसाइट पर सारा डेटा अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड क्या करना, जो बच्चे डीएलएड 2018 के छात्र हैं, अगर उनके फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड में किसी में बैक है, उनको बताना पड़ेगा, ये सब चीज़ें उनको बतानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों चलिए, जो हमारा मेन मुद्दा था आज इस वीडियो का, कि देखिए डीएलएड छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ये 69,000 भर्ती में हो रहा था। अगर आप 69,000 भर्ती के बारे में जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती, तो बता दें इसमें दोस्तों टोटल 69,000 पदों पर नौकरी दी जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार दोस्तों क्या कर रही है कि अब 31,661 पदों पर नौकरी दे रही है छात्रों को। तो देखिए होता क्या ना कि जो 31,000 बच्चे नौकरी पाने वाले हैं, वो तो बड़े उत्साहित हैं, यार हमें नौकरी मिल जाएगी, हमारी रैंक अच्छी है, हमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जिनके 31,000 से ऊपर रैंक है या कुछ और कारण हो सकता है, ठीक है, कैटेगरी वाइज दोस्तों वैसे नौकरी मिलती है, सीट्स मिलती हैं, तो इसको आप समझिए। तो अब बच्चे दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, 31,000 वो जो नौकरी पाने वाले हैं, बाकी दोस्तों वो बच्चे जो नौकरी नहीं पा रहे हैं। पहले दोस्तों टोटल बच्चे जो लिस्ट जारी हुई थी 6, 7, 8, 6, 7 कि 67,000 इतने बच्चों का चयन होना था। लेकिन दोस्तों सरकार ने नई लिस्ट ले आए कि भैया हम 31,000 को पहले देंगे, बाकी बच्चों को बाद में। तो जिनको नौकरी पानी वो तो भाई सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही वो सरकार के विपक्ष में। तो गाइस यही होता है कि डिवाइड एंड रूल। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को दो ग्रुप में बांट देना, एक ग्रुप ये होगा कि जो सरकार के साथ खड़ा हो जाता है, दूसरा ग्रुप वो होगा जो सरकार के विपक्ष में खड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों यार डीएलएड में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आप लोग को देखिए राजनीति के बारे में पता नहीं था, तो आपको राजनीति समझ में धीरे धीरे आने लगी होगी। जी हाँ दोस्तों, प्रमोट करने का अगर कोई नियम बनता है, तो सिंपल सी बात, इनको ऐसा नियम बनाना चाहिए कि देखिए एक बात आप समझिए पहले, अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप एक विषय में फेल होते हैं, तो क्या आप सेकंड सेमेस्टर में जा सकते हैं या नहीं? इसका आंसर है यस, आप डेफिनेटली जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी बच्चे की एक या दो विषय में बैक भी है, तो उनको प्रमोट करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, जब वो बच्चा अपने बैक पेपर को क्लियर कर लेगा, उसके हिसाब से 200 नंबर दे के बात खत्म करते हैं। लेकिन गाइस यहाँ ये प्रमोट ही नहीं करेंगे, आप इसको एक बार पढ़िएगा गाइस, तो देखिए क्या क्या होता है। अभी मामला इतनी आसानी से निपटने वाला तो है नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें एक दो बच्चे इन्वॉल्व नहीं है। जितने बच्चों की मतलब बैक आई दोस्तों, उनकी संख्या बहुत ही बड़ी है। अगर दोस्तों ये संख्या छोटी होती ना, अगर 150 में होते बच्चे ना, तो इस बात को दबा दिया जाता। लेकिन दोस्तों ये संख्या 150 में नहीं है, ये संख्या हजारों की तादाद में है। तो सभी छात्रों का एक साल खराब हो जाएगा अगर ऐसा कुछ करेंगे तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मुहिम तो चलेगी सोशल मीडिया पर, और उसके साथ ही गाइज और जगह मुहिम चलेगी। फिलहाल आप इस वीडियो को अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया ना, तो अपने दोस्तों के साथ पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसको शेयर करके बता दीजिएगा। इंटर्नशिप की भी डेट आ चुकी है, प्रमोट करने का आदेश भी आ चुका है। ये दोस्तों आदेश है, ये ऑफिशियल आदेश है। अब इसके बाद अब कोई आदेश आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपके कॉलेज के लिए आदेश आया था, तो देख लीजिए दोस्तों, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में प्रॉपर दे दिया है। तो गाइस आप लोग बहुत ही जल्दी, मतलब अभी तक ऐसा होता था कि जो छात्र डीएलएड कर लेते थे, आगे नौकरी के लिए मतलब होता था ना, राजनीति शुरू होती थी, पॉलिटिक्स शुरू होता था। लेकिन आप लोग ऐसे पहले छात्र होंगे डीएलएड 2018 बैच में, जिनके साथ राजनीति पहले ही शुरू हो गई, मतलब डीएलएड कंप्लीट भी नहीं हुआ अभी से, दोस्तों आपका ग्रुप दो भागों में डिवाइड हो गया। एक बच्चे वो है जो बच्चे पास हैं, वो तो सोच रहे हैं जल्दी पेपर हो जाए फोर्थ का, छुट्टी पा जाए डीएलएड से। अब जो बच्चे फेल, उनको मौका ही नहीं मिलेगा, तो उनका नुकसान होगा। तो गाइस सिंपल सी बात है यार कि अब डीएलएड के छात्र आपस में ही लड़ जाएंगे। ठीक है गाइस, यही होता है। देखिए ये पॉलिसी बहुत पुरानी है, ठीक है, तो उससे एक तरह से होगा ना, सरकार ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया। बाकी दोस्तों जो नियम है, कानून है, वो आपके सामने है। ठीक है, नियम और कानून दोस्तों ये लिखा आपके सामने, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। लिंक हमने इसलिए कमेंट बॉक्स में इसका प्रॉपर दिया है, ठीक है। बाकी इसका दोस्तों एक और वीडियो का लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे रखा है। चलिए वीडियो जब समाप्त होती है, तो उसके बाद एक लिंक आएगा ना, उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो का पूरा लिंक है, इसको हमने अच्छे से पढ़कर एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या क्या लिखी हुई बातें। तो दोस्तों फिलहाल जो ये अपडेट आई, उसके हिसाब से तो फेल या बैक पेपर छात्रों को हो सकता है कि मौका ना दिया जाए। ठीक है, प्रमोट करने का दिशा निर्देश तो आ चुका है, तो और भी दोस्तों जो अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल दोस्तों यही अभी से होना शुरू हो चुका है। तो अगर आप लोग देखिए राजनीति से मतलब समझ नहीं पाए ना, राजनीति क्या होती है, कैसे होती है, तो गाइस फिर आपका डीएलएड करना बेकार हो जाएगा। डीएलएड में राजनीति समझना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों जब तक आप नौकरी नहीं पा जाएंगे, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, नियुक्ति पत्र नहीं आ जाता ना, तब तक ये राजनीति चलने वाली है। राजनीति की दोस्तों कोई यहाँ समाप्त नहीं होती। आपको बता दें 69,000 भर्ती में दोस्तों जो पिछड़ा आयोग था,
जी हाँ दोस्तों, उन्होंने नोटिस जारी किया था सरकार को कि कुछ दिक्कतें थी छात्रों में कि ओबीसी कैटेगरी में या आरक्षित वर्गों में सही से मतलब सीटें आवंटित नहीं की गई हैं, लेकिन दोस्तों कोई सुनने वाला नहीं उनकी। तो ये सब चीज़ें गाइस हो रही हैं आज के दिन। तो पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, और दोस्तों जो ये गंदी राजनीति होती है जिससे छात्रों का नुकसान ही होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, एक तो समय की बर्बादी होती है। अगर दोस्तों ये चाहते ना तो अभी भी देखिए आपको बताते, जो हमारा बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था दोस्तों, काफ़ी दिन बीत चुके हैं, ठीक है, उनका एग्जाम दोस्तों जब भी अगस्त में करा सकते हैं, ठीक है, तो क्या दोस्तों डीएलएड का पेपर अगस्त में नहीं हो सकता था? सब कुछ हो सकता था, अगर सरकार चाहती तो सब कुछ होता था। अगस्त में पेपर होता, सितंबर में रिजल्ट ले आते, फिर अक्टूबर में पेपर करा लेते हैं, मामला ही खत्म हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात एक और आती है कि सरकार भी इसमें क्या कर सकती है। देखिए दोस्तों, जो हमारे यहाँ प्रस्ताव बनाते हैं, ठीक है, ये जाता है दोस्तों पीएनपी की तरफ से, तो दोस्तों जो ये प्रस्ताव भेजेंगे सरकार उसी को तो मंजूर करती है या ना मंजूर करती है। तो दोस्तों अगर इन्होंने ऐसा ही प्रस्ताव बनाकर भेज दिया कि भैया ठीक है, जो बच्चे पास हैं उनको प्रमोट करो, जो बच्चे फेल हैं वो छोड़ो, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं। देखिए गाइस, इसमें दो तीन चीज़ें और खामियां हैं। इसमें डीएलएड 2018 बैच की बात है, 19 बैच की बात है, लेकिन दोस्तों जो बच्चे बीटीसी 2015 बैच के उनका नाम तो नहीं लिखा गया, डीएलएड 2017 बैच के छात्र उनका नाम तो नहीं लिखा गया है। तो मतलब दोस्तों बहुत सी खामियां भी यहाँ पर हैं, तो अभी बहुत सी चीज़ें और क्लियर हो सकती हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों नए शिक्षक भर्ती, फिर डीएलएड 2018 बैच, वो बैच के बच्चे मतलब जो बच्चों की बैच थी फेल थे वो बाहर हो सकते हैं, बाकी जो बच्चे पास हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसा कि आपको पता है कि 2022 में चुनाव है और इस समय दोस्तों योगी सरकार काफ़ी फॉर्म में भी लग रही है, 69,000 में जो नौकरियां नहीं मिल रही थी, चलिए ठीक है राजनीति के तहत ही बच्चों को डिवाइड करके, बच्चों को तोड़ कर नौकरी दी जा रही, लेकिन दी तो जा रही ना, तो कम से कम दोस्तों आपको भी ऐसा मौका मिल जाता कि कम से कम शिक्षक भर्ती में आप बैठ तो पाते हैं, भले नौकरी लगती ना लगती वो बात की बात है, मौका तो मिलता ना आवेदन करने का, अब तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो गाइस अपनी बात को उठाइए, सोशल मीडिया पर अपनी बात को रखिए, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, ये आपकी आवाज़ है ताकि और दूर तक पहुँचे जो बच्चे फेल हैं, उनके साथ न्याय हो, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और इंटर्नशिप की दोस्तों बातें हो चुकी हैं, तो अब आपके भी मतलब जिले से जल्दी दोस्तों इंटर्नशिप का नोटिस आ सकता है। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।